गाइस, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ अपने चैनल पर प्रेजेंट हुए हैं और आज फिर एक आपके लिए जानकारी देंगे। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो आपको जानकारी देंगे वो है टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल, कि डंपी लेवल का जो टेम्परेरी एडजस्टमेंट किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है और उसकी प्रोसेस क्या है, टेम्परेरी एडजस्टमेंट करने की क्या प्रोसेस है, वो सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप डंपी लेवल से कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो, डंपी लेवल के द्वारा कोई प्रैक्टिकल करने जा रहे हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल इजीली डंपी लेवल की जो प्रैक्टिकल है वो कर सकते हो। तो ठीक है गाइस, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और देखते रहिए पूरी वीडियो को, ताकि आपको ये पूरा प्रैक्टिकल समझ में आ जाए कि किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले हम आप बात करते हैं आज टेम्परेरी एडजस्टमेंट की, टेम्परेरी एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। देखिए गाइस, हमारे जो टेम्परेरी एडजस्टमेंट है उसमें तीन प्रोसेस होती हैं। हम इसमें दिखा दें आपको कितनी प्रोसेस है हमारे पास, तीन प्रोसेस होती हैं। देखिए, पहली है सेटिंग अप, जिसको हिंदी में लेवल की स्थापना कहते हैं। दूसरी है लेवलिंग अप, जिसे लेवल का समतलन कहते हैं। और तीसरी है पैरलक्स एलिमिनेशन, लंबन का निराश। ये जो है तीन प्रोसेस में हमारी टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल कंप्लीट हो जाता है। तो आइए हम यहाँ सीखते हैं आज कि किस तरह से हम इसको एडजस्टमेंट किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम जो होगा, ये हमारे पास ट्राइपॉड है। ये क्या है, ये ट्राइपॉड है। इस ट्राइपॉड की आपको सेटिंग करनी है। ठीक है गाइस, क्या करोगे, इस ट्राइपॉड की सेटिंग करोगे कि ये जो है ट्राइपॉड हमें लेवल में होना चाहिए, मतलब बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। ठीक, उसके बाद गाइस आप करना करोगे क्या, इस है जो डंपी लेवल है उसको लेफ्ट हैंड से पकड़ोगे। क्या है, जो डंपी लेवल होगा उसको लेफ्ट हैंड से पकड़ोगे। उसके बाद इसमें ये है, इसको यहाँ पर रखोगे इस तरह से और इसको इसमें कस दोगे। ठीक है गाइस, ये जो है इस तरह से आप ये हमारा कस जाएगा। देखिए, ये बिल्कुल पूरी तरीके से डंपी लेवल अब इस ट्राइपॉड पे फिक्स हो गया है। अब देखिए करना क्या है गाइस हमारे लिए, अब हम देखिए, हम अब जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस होगी, सेटिंग अप हो गया, अब है लेबलिंग अप। क्या करना है हमें, लेबलिंग करना। देखिए, लेबलिंग करने के लिए आपको इसमें हमारे पास जो डंपी लेवल है, डंपी लेवल में लेवल ट्यूब दे रखा है। क्या दे रखा है, लेवल ट्यूब। अब जब ये लेवल ट्यूब को हम सेंटर में लाना है तो किस तरह से लाना है, देखिए गाइस, सबसे पहले लेबलिंग करने के लिए आपको क्या होगा, ये जो फुट स्क्रू है, क्या है, एक दो फुट स्क्रू ये है और एक फुट स्क्रू इसके पीछे होगा। तो आपको करना क्या है, जैसे ये हमारे लेवल ट्यूब है, इस लेवल ट्यूब को आपको इन दो फुट स्क्रू के पैरेलल में लाना है। क्या है, दो जो बबल ट्यूब है, इस बबल ट्यूब को दो फुट स्क्रू के पैरेलल में लाना है। जैसे ही आपको ये पैरेलल में आ जाएंगे, उसके बाद इन फुट स्क्रू को इनवर्ट करोगे और आउटवर्ड करोगे। जैसे जैसे आपको, अगर ये फुट स्क्रू इन्वर्ट करने पर अंदर की तरफ को घुमाओगे तो इन्वर्ट कहलाएगा, बाहर की तरफ को घुमाओगे तो आउटवर्ड कहलाएगा। अगर आपको ये इन्वर्ट अंदर की तरफ को मूव करने पर आपका जो जो बबल है वो अगर सेंटर में आ रहा है तो इन्वर्ट घुमाओगे, यदि बाहर की तरफ को मूव करने पर यदि सेंटर आपको जो बबल है वो सेंटर में आ रहा है तो बाहर की तरफ को घुमाओगे। ठीक है गाइस, देखिए हम जो अपना बाहर की तरफ को घुमा रहे हैं तो जो हमारा जो बबल है वो सेंटर में आ रहा है, तो हम जो है दोनों फुट स्क्रू को एक साथ मूव कराएंगे और हमारा जो बबल है वो धीरे धीरे सेंटर में इसके आ जाता है। ठीक है गाइस, जैसे ही हमारा सेंटर में आ जाएगा, देखिए इस समय पास से दिखा देंगे हम थोड़ा। ठीक है गाइस, अब हमारा देखिए, अब जो है इसमें जो बबल है वो सेंटर में आ गया है। अब हम करेंगे क्या, जैसे ही ये सेंटर में आ गया, अब आपको करना क्या है, अपनी जो डंपी लेवल है, ये जो डंपी लेवल, इस डंपी लेवल को आपको 90 डिग्री मूव करना है। क्या करना है, 90 डिग्री मूव करना है। ठीक है गाइस, ये 90 डिग्री हमारा मूव हो गया। अब जो दो फुट स्क्रू आपने यूज़ करी थी, इन दो फुट स्क्रू को यूज़ नहीं करना है। जो थर्ड स्क्रू इसमें दे रखा है, उस थर्ड स्क्रू की सहायता से आपको जो बबल होगा वो सेंटर से हट गया होगा, उसको आप सेंटर में लेके आना है। ठीक है गाइस, इसको आपको मूव करना है, जब तक मूव करना है थर्ड स्क्रू को, जब तक कि ये बबल हमारा सेंटर में ना आ जाए। ठीक है गाइस, जैसे ही बबल सेंटर में आ जाता है हमारा,
जो सेंटर में आ जाएगा, हमारा जो लेबलिंग होगी वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है गाइस, अब हमें करना क्या है, जैसे ये थर्ड स्क्रू से ये लेवल में आ जाएगा, लेवल में आ गया, अब हम करेंगे क्या, इसको फिर से उसी पोजीशन में लाएंगे जिस पोजीशन में हमने शुरू में रखा था। देखिए फिर से ये पोजीशन में आ गए, ये फिर से इसी पोजीशन में आ गए। अगर बाई चांस अगर हट जाता है तो फिर से हमें इन दो फुट शुरू से इसको लेवल में लाना है। ठीक है, देखिए फिर से लेवल में आ गया, ये आ गया। अब फिर से आप इसको 90 डिग्री मूव करोगे, ये 90 डिग्री मूव करने के बाद जो आपका बबल है वो सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो हमारी, अब हम क्या करेंगे, 90 डिग्री हो गया, अब इसको 180 डिग्री मूव करेंगे। देखिए 180 डिग्री मूव करने के बाद जो बबल है वो सेंटर में ही रहना चाहिए। ठीक है, फिर आप चाहे 180 डिग्री मूव कर लो या 90 डिग्री मूव करो, आपका जो बबल है वो सेंटर में ही रहेगा। अब ये लेवलिंग हो गई। अब हमारे पास थर्ड जो तीसरा जो पॉइंट्स होगा या तीसरी जो प्रोसेस होगी वो होगी पैरेलल एलिमिनेशन, पैरेलल्स ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, अब पैरेलल ऑफ एलिमिनेशन करने के लिए आपको ये टेलीस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। टेलीस्कोप में इस साइड आईपीस होता है और ये जो होता है वो ऑब्जेक्टिव पीस होता है। ठीक है गाइस, ये आईपीस है, ये ऑब्जेक्टिव पीस है। तो आपको आईपीस की सहायता से सबसे पहले इस आईपीस से देखने पर आपको डायफ्राम बनाना है। क्या बनाना है, इसको, इसमें जो स्क्रू लगे आपके, इन स्क्रू को मूव करके, मूव करने के बाद क्या होगा, आपको डायफ्राम बनाना है। दिखा देते हैं डायफ्राम किस तरह से। देखिए आप जब इसमें से देखोगे तो इस तरह से कुछ आपके बनेंगे, लाइनिंग आएगी। ये जो ऊपर का होता है अपर स्टेडिया होता है, नीचे का होगा वो लोअर स्टेडिया होगा, जो बीच में होगा वो क्रॉस हेयर होगा। तो आपको क्या है, इसमें डायफ्राम बनेगा, डायफ्राम में आपको क्रॉस हेयर दिखाई देंगे। जैसे ही आपको एग्जैक्ट बिल्कुल जो क्रॉस हेयर होगा ये बिल्कुल साफ दिखाई देने लगेगा, फिर क्या करना है आपको, जैसे अब इसकी सहायता से आपने आईपीएस की सहायता में लगे जो स्क्रू हैं उनकी सहायता से डायफ्राम बनाया, उस डायफ्राम में जो है आपको ये अंदर अपर स्टेडिया दिखेगा, लोअर स्टेडिया दिखेगा और क्रॉस हेयर दिखेगा। जैसे ही आपको ये क्रॉस हेयर दिख गए उसके बाद आपको करना क्या है, फिर ये जो है ये क्या है, ये फोक्सिंग स्क्रू है। क्या है, ये फोक्सिंग स्क्रू है। इस फोक्सिंग स्क्रू को आपको बहुत ही धीरे धीरे मूव करना है, हल्के हल्के मूव करना है। आपको पहले अपने जो ऑब्जेक्ट है इस यहाँ गन पॉइंट से उसको ऑब्जेक्ट पे लेके जाओगे। ऑब्जेक्ट पे ले जाने के बाद इस जो है स्लो मोशन स्क्रू, इस स्लो मोशन स्क्रू से हल्के हल्के मूव करोगे इधर और इधर, तो आपको क्या है, धीरे धीरे आपको जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगेगा, साफ दिखाई देने लगेगा। देख लीजिए जैसे कि हमारे पास ये लेवलिंग स्टाफ है, डंपी लेवल से हम लेवलिंग करते हैं, अभी हमारे पास लेवलिंग स्टाफ है। अब इस लेवलिंग स्टाफ को हम इससे अपनी आईपीस से देखेंगे, तो जहाँ पर ये हमारा जो आईपीस से देखने पर जहाँ लाइन जा रही होगी, मतलब जो क्रॉस हेयर है, जिस जगह क्रॉस हेयर इस लेवलिंग स्टाफ पे बन रहा होगा वो हमारी रीडिंग वहाँ नोट कर लेंगे। ठीक है गाइज, तो इस तरह से आज जो है आपने इस वीडियो में टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल का किस तरह से एडजस्टमेंट किया जाता है ये सारी बातें आपने सीखी। तो गाइज उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो को देखने के बाद डंपी लेवल का जो टेम्परेरी एडजस्टमेंट किया जाता है वो बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो ठीक है गाइज, अब इसी हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।